हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार और हर दिल अजीज़ रेसिपी, पनीर टिक्का की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार रेसिपी है और सबके दिल को पसंद आने वाली रेसिपी है, यानी कि इसे आप हर दिल अजीज़ रेसिपी भी कह सकते हैं। और आज हमने पनीर टिक्का को ओवन में नहीं बल्कि तवे पर बना के तैयार किया है, तो जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो लोग भी पनीर टिक्का को बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। और पनीर टिक्का को हमने बहुत ही आसान तरीके से बना के तैयार किया है, कोई भी इसे बनाना चाहे आराम से बना सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पनीर टिक्का बनाना और देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पनीर टिक्का बनाने के लिए हमने एक बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसमें डालेंगे आधा कप दही। ये टिक्का का बेस मसाला तैयार हो रहा है। टिक्का मसाला की बाइंडिंग के लिए एक बड़ा चम्मच डालेंगे भुना हुआ बेसन, 1 टीस्पून डालेंगे कसूरी मेथी, इसे हाथों से क्रश कर लेंगे, और 1/4 टीस्पून डालेंगे अजवाइन, इसको भी हाथों से क्रश करके डालेंगे। ज़्यादा नहीं लेना है, बस हमें 1/4 टीस्पून ही लेना है अजवाइन। 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून भर के डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। अगर कश्मीरी लाल मिर्चें नहीं है आपके पास तो आप देगी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे नमक और 1 टेबल स्पून डालेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। कच्चे सरसों के तेल का जो टेस्ट है टिक्का में बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत यमी लगता है। और इन सबको मिक्स कर लेंगे। टिक्का मसाला थोड़ा सा चटपटा, थोड़ा सा तीखा होना चाहिए तभी अच्छा लगता है। 1 टीस्पून डालेंगे नींबू का रस, अगर आपका दही थोड़ा सा खट्टा है तो आप नींबू का रस मत डालिएगा, लेकिन हमारा दही खट्टा नहीं है, बिल्कुल फ्रेश दही है, इसमें बिल्कुल भी खट्टापन नहीं है, तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून नींबू का रस। बहुत चटपटा लगता है, बहुत मज़े का लगता है। जो बीजे आ गई हो बीजे हटा दीजिएगा और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और इसको भी मिक्स कर देंगे। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हमें करनी है, सारे मसाले एक साथ एक जान हो जाना चाहिए, एक सार हो जाने चाहिए। और इसमें हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, तभी टिक्के की बाइंडिंग अच्छी आएगी। और 2 टेबल स्पून ले लिया है हमने शिमला मिर्च, इसको इस तरीके से हमने क्यूब्स में कट कर लिया है बड़े बड़े। 2 टेबल स्पून ले लिया है रेड बेल पेपर, 2 टेबल स्पून ले लिया है टोमेटोज, 2 टेबल स्पून ले लिया है येलो बेल पेपर। इन सारी सब्जियों को हमने क्यूब्स में कट किया है, देखिए सब इस तरीके से क्यूब्स में ही कटी हुई है। टिक्का स्टिक में लगाने में ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और 2 टेबल स्पून ले लिया है प्याज, जिसको इस तरीके से हमने पेटल्स में यानी क्यूब्स में कट कर लिया है। और 150 ग्राम हमने लिया है पनीर, इसको भी इस तरीके से मोटे पीसेस में, थोड़े मोटे टुकड़े में और इस तरीके से क्यूब्स में कट किया है। तो ये सारी सब्जियां देखिए एक ही साइज में कटी हुई हैं, इसको भी इसी में डाल देंगे। और अब पनीर हमने डाल दिया है, सब्जियां इसमें डाल दी है, मसाला भी पूरा रेडी है हमारा। इसे हम हाथों से मिक्स करेंगे बहुत हल्के हाथों से, ताकि हमारा जो पनीर है टूटने ना पाए। सब्जियों पे पनीर पे देखिए जो मैरिनेशन का मसाला था अच्छे से लग गया है। अब इस पनीर टिक्का की सब्जियों को, पनीर को आधे घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो आधे घंटे फ्रिज में हम रख देते हैं, इसे अच्छे से ये मैरिनेट हो जाएगा, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। आधे घंटे हो चुके हैं सारी सब्जियों को, पनीर को मैरिनेट होते हुए। इसको हमने फ्रिज में रखा था, बाहर मत रखिएगा। और ये इस तरीके के हमने वुडन स्क्वेयर्स ले लिए हैं, अगर आपके पास वुडन स्क्वेयर्स ना हो तो आप इनकी जगह टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप इतनी बड़ी पनीर टिक्का इतनी बड़ी स्टिक में ही बनाएं, आप टूथपिक में भी पनीर टिक्का को बना सकते हैं, बस आपका पनीर टिक्का थोड़ा छोटा बनेगा। और अगर आपके पास टूथपिक भी नहीं है तो आप डायरेक्ट इन सारी सब्जियों को, पनीर को तवे के ऊपर शैलो फ्राई कर सकते हैं। स्क्वेयर्स ले लेंगे और सबसे पहले इसमें हार्ड सब्जियां लगाएंगे, पनीर को हम बीच में लगाएंगे ताकि इसे सपोर्ट मिल जाए, एक शील्ड मिल जाए। अनियन लगाएंगे, बस सारी सब्जियों को पनीर के साथ एक लाइन से बराबर से पिरोते चले जाएंगे। प्याज को हमने लगा दिया, कैप्सिकम लगा दिया, टमाटर लगा लिया और अब पनीर लगा लेंगे। और फिर से रिपीट करते जाएंगे, प्याज लगाएंगे, कैप्सिकम लगाएंगे, रेड बेल पेपर लगा लेंगे, येलो बेल पेपर लगाएंगे और टमाटर लगा लेंगे और फिर से पनीर को लगाएंगे और फिर से सारी सब्जियों को रिपीट कर लेंगे।
तो ये एक हमने स्टिक बना के तैयार कर लिया, बाकी के स्टिक भी हम तैयार कर लेते हैं इसी तरीके से। देखिए कितनी कलरफुल, कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आपके पास बेल पेपर है तो लगाइए, नहीं है तो स्किप कर दिए, कोई जरूरी नहीं है। बस देखने में थोड़ा ये कलरफुल लगता है, देखने में खूबसूरत लगता है। जितनी ज्यादा रंग बिरंगी सब्जियां होंगी उतना ज्यादा ये पनीर टिक्का देखने में खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से देखिए हमने सारी स्टिक तैयार कर ली है और अपने इस मज़ेदार से रंग बिरंगे से पनीर टिक्का को हम ओवन में नहीं बल्कि तवे पर बनाएंगे। तो आइए तवे पर बना लेते हैं अपने पनीर टिक्का को। एक हमने तवा ले लिया, इसे अच्छे से हीट कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल और सरसों के तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे ताकि इसमें जो भी कच्चापन है इसका, एक रॉ स्मेल होती है सरसों के तेल की, वो निकल जाए। और इस तरीके से पूरे तवे पर ग्रीस कर देंगे। देखिए मस्टर्ड ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, बिल्कुल धुआं निकल रहा है। इसी तरह से बिल्कुल धुआं निकलना चाहिए, इतना गर्म हमें करना है। और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर। सरसों के तेल में इस तरीके से बटर आप मिला के यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बस इस बटर और ऑयल से पूरे तवे को ग्रीस कर लेंगे और अपने पनीर टिक्का के स्टिक्स को एक एक करके इसमें अरेंज कर देंगे। अपने इस पनीर टिक्का को हमको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है बल्कि मीडियम फ्लेम पे पकाना है और चारों साइडों से उलट पलट के हमें मीडियम फ्लेम पर पनीर टिक्का को पका लेना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये पनीर टिक्का हमारा जल जाएगा। तो हमें पनीर टिक्का को जलाना नहीं है, इसे हमें मज़ेदार सा और टेस्टी सा बना के तैयार करना है। तो मीडियम फ्लेम पे चारों साइडों से उलट पलट के पनीर टिक्का को फ्राई कर लेंगे। तो चारों साइडों से उलटते पलटते हुए पनीर टिक्का को हमने सेक लिया है। और ख्याल रखिएगा इस बात का कि अगर आप पनीर टिक्का तवा पे बना रहे हैं तो नॉनस्टिक तवे का ही इस्तेमाल कीजिएगा, वरना टिक्का आपका जिस भी बर्तन में आप बनाएंगे वो चिपकने लगेगा अगर आप नॉनस्टिक बर्तन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये पनीर टिक्का हमारा चारों तरफ से अच्छे से सिक गया है, आइए इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारे शानदार से मज़ेदार से पनीर टिक्का बन के तैयार है। देखिए इसको चारों साइडों से हमने उलट पलट के पका लिया है, बहुत ही मज़ेदार से ये बनके तैयार हो गए और सारी स्टिक हमारी रेडी है। आइए इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो पनीर टिक्का है कितना खूबसूरत और कितना शानदार लग रहा है। चारों तरफ से ये बराबर से बिल्कुल पका है और कोई कह नहीं सकता कि इसे आपने तवे पे बना के तैयार किया है। आइए इसे अपने सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का बन के तैयार है। इस रेसिपी को आप, पनीर टिक्का को इस तरीके से आप अगर तवे पे नहीं बनाना चाहते तो सेम यही मैरिनेशन, सेम यही मेथड, सेम यही तरीके से आप इसे ओवन में बेक कर लीजिएगा। और इसे हमने सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ और केचप के साथ। तो जो चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं वो चटनी के साथ इसे खाएं, जो केचप के साथ खाना पसंद करते हैं वो केचप के साथ खाएं। और ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे इस पे चाट मसाला। तो ये लीजिए, बहुत ही शानदार सा हमारा पनीर टिक्का बनके तैयार है, आइए इसे सर्व कर लेते हैं, एंजॉय करते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।